यूपी के कानपुर जिले में बीती रात एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बस और टेम्पो की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इस हादसे में 17 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। घायलों का इलाज हैलट अस्पताल में चल रहा है। ये दिल दहला देने वाला हादसा सचेंडी थाना क्षेत्र के किसान नगर में मंगलवार देर रात हुआ। बिस्किट फैक्ट्री के सामने अनियंत्रित बस ने टेम्पो को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस पुल से नीचे गिर गई। हादसे के फौरन बाद राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक 17 लोगों ने दम तोड़ दिया था। ये बस उन्नाव से गुजरात के राजकोट जा रही थी। मृतकों में ज्यादातर मजदूर बताए जा रहे हैं। वही भीषण सड़क हादसे में हुई मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर कहा, कानपुर में हुई सड़क दुर्घटना अत्यंत दुखद है। इस हादसे में कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, साथ ही घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथ ही पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की है। बयान के मुताबिक भीषण हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा प्रधानमंत्री राहत कोष से दिया जाएगा। वहीं घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा।